sit down all of you. Our first of all we have discussion about the balanced diet. The balanced diet. Previous class में हमने balanced diet के बारे में पढ़ा था. किसके बारे में पढ़ा था? Balanced diet के बारे में. तो आज का ये जो हमारा session होगा, ये जो हमारा balanced diet में जो भी न्यूट्रिएंट कंटेंट पाए जाते थे, जो भी न्यूट्रिएंट कंटेंट पाए जाते थे, उसके बारे में हम आज समराइज फॉर्म में देखेंगे. आ रहा समझे? समराइज फॉर्म. तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा विटामिन है. क्या है? विटामिन है. आ रहा समझे? आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? विटामिन होगा. विटामिन, जैसा कि हम जानते हैं, ये जो विटामिन होते हैं एंड मिनरल, विटामिन एंड मिनरल, ये हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं? बहुत ही नेसेसरी होते हैं. क्या होते हैं? अगर डिफिशियंसी आप विटामिन की, अगर हमारी बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी होगी, किसकी डिफिशियंसी होगी? विटामिन की, तो अलग अलग डिसऑर्डर हमें अफेक्ट करेगी हमारी बॉडी को. आ रहा समझे? विटामिन सी की अगर हमारी बॉडी को कमी होगी, किसकी? विटामिन सी. तो हमें इस कर्वी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? कर्वी. आ रहा समझे? अब ये स्कर्वी क्या होता है? ये जो स्कर्वी नाम की बीमारी है, ये आपको जैसा कि एक सिंपलीफाइड मेरा में हम बता सकते हैं कि आपको बुढ़ा कर देगा. क्या कर देगा? बुढ़ा. क्योंकि ये स्कर्वी बता रहा है कि जो हमारे गम्स होते हैं, क्या होते हैं? गम्स. गम्स यानी कि मसूढ़े. गम्स में मसूढ़े, गम्स हमारी वीक हो जाती है. क्या हो जाती है? गम्स हमारी कमजोर हो जाती है. और जब गम्स कमजोर होगी तो दांत सब खराब हो जाएंगे, गिर जाएंगे. और जो बुढ़े होते हैं उनकी दांत सब क्या होते हैं? गिर जाते हैं. और उसके साथ साथ जो सेकंड मेन फैक्टर है इसका, हमारा सेकंड मेन फैक्टर हमारा ये है कि स्किन डिसऑर्डर भी हो सकती है. क्या होती है? स्किन डिसऑर्डर. हमारी क्या होने लगती है? सिकुड़ने लगती है. क्या होने लगती है? सिकुड़ने लगती है. स्किन हमारी कैसे क्या होने लगती है? बहुत ही पावरफुल डिफेंडर हमारा लेक्चर होगा. आ रहा समझे? जो भी आप लोग को नहीं समझ में आएगा, आप मेरे खराब हो गए, वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं. और ध्यान से हमारे लेक्चर को आप अटेंड करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप एज ए कम्पिटेटिव पार्ट ऑफ ग्रुप से भी पा सकते हैं. जो भी हमारे कम्पिटिशन होता है, चाहे हमारा जीपीएससी हो, चाहे हमारा एनटीएससी हो, आ रहा समझे, इस एग्जाम में आप इस सच टाइप का क्वेश्चन को आप पा सकते हैं. तो चलिए समय ना खराब करते हो, हम अपने पॉइंट पर आते हैं. विटामिन, अगर विटामिन की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, विटामिन की बात करेंगे, विटामिन आर ऑफ टू टाइप. विटामिन आर ऑफ टू टाइप. विटामिन आर ऑफ टू टाइप. विटामिन आर ऑफ टू टाइप दैट इज, विटामिन आर ऑफ टू टाइप, आई ई फॉर होता है डेट इज. आई ई फॉर क्या होता है? डेट इज. डेट इज होता है अर्थात. क्या होता है? अगर हम फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? फैट सॉल्युबल विटामिन की अगर हम बात करेंगे तो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन ए. मेरे साथ बोलिए, विटामिन बी. विटामिन बी. विटामिन बी नहीं होगा. विटामिन ए. विटामिन ए. विटामिन डी. विटामिन डी. विटामिन ई. विटामिन ई. ए डी ई एंड के. एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन. अब ये जो हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट
मेरे साथ बोले एक्सेप्ट एक्सेप्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस को छोड़ करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस को छोड़ करके जितने भी विटामिन है विटामिन बी वन विटामिन बी टू विटामिन बी थ्री विटामिन बी सिक्स आ रहा समझे ये सब वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं और उसके साथ साथ विटामिन सी और ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं इसको हमें अपने डेली लाइफ में डेली रूटीन में लेना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है क्या है वाटर सॉल्युबल है और ये हमारी बॉडी से क्या हो जाएंगे रिमूव आउट हो जाते हैं डेली का डेली समझ आ रहा है डेली आप लेंगे तो इसको यूराइन के फॉर्म में पेशाब के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं विटामिन सी यार समझे इसलिए हमें डेली लेमन लेना चाहिए अगर हम विटामिन सी की रिच की बात करेंगे किसकी बात करेंगे विटामिन सी रिच इन विटामिन सी रिच इन तो आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है इसमें आंवला जिसको आंवला बोलते हैं क्या बोलते हैं आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है तो हम क्या करेंगे आंवला जो होता है इसका अचार बनाकर हम डेली अपने फूड सिस्टम में यूज करेंगे तो हमें विटामिन सी डेली का डेली विटामिन सी इसी फॉर्म में मिल सकता है सबसे ज्यादा ये कंपटीशन में भी आ सकता है कि विटामिन सी रिच है विटामिन सी रिच है तो हमारा ऐसा क्या होगा अगर विटामिन सी की बात करेंगे तो चलिए इसको भी जान लीजिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है समझ आ रहा है एक्सेप्ट बी वन बी टू एंड बी सिक्स एंड विटामिन सी विटामिन सी ये सब क्या है हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है जैसे बोलिए विटामिन बी वन विटामिन बी टू विटामिन बी थ्री विटामिन बी सिक्स एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन ये सब क्या है हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन है आ रहा समझे और अगर हम फेट सॉल्युबल विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ए विटामिन ई विटामिन ए एंड विटामिन के आर फैट सॉल्युबल विटामिन आर समझे विटामिन कितने टाइप के होते हैं दो विटामिन कितने टाइप के होते हैं दो कौन कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन वाटर सॉल्युबल आर समझे कोई भी पूछे कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं तो बता दीजिए विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई एंड विटामिन के क्या होंगे ये सब फैट सॉल्युबल विटामिन आर समझे फैट यानी कि जो हमारे चर्बी होती है इसमें घुलनशील होते हैं आ समझे सॉल्युबल होता है घुलनशील और वाटर सॉल्युबल मतलब वाटर में घुलनशील होते विटामिन आ रहा समझे ऐसे विटामिन जो वाटर में क्या हो सॉल्युबल हो उसको हम वाटर सॉल्युबल विटामिन की कहेंगे अब चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा साइंटिफिक पॉइंट देखते हैं आ रहा समझे अभी हमारे साइंटिफिक पॉइंट जैसे विटामिन ए की बात कर लेते हैं इसकी विटामिन ए तो विटामिन ए जो होता है इसको हम रेटिनॉल कहते हैं क्या कहते हैं रेटिनॉल इसका केमिकल नेम क्या है रेटिनॉल आ रहा समझे अब ये रेटिना जैसे कि आप रेटिनॉल की बात करेंगे तो इसमें एक रेटिना होती है क्या होती है रेटिना अब रेटिना से रेटिनॉल बना है रेटिना से रेटिनॉल बना है इसका मतलब विटामिन ए से जो कौन सी बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस होती है क्या होती है नाइट ब्लाइंडनेस तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेटिनॉल से हमारी रेटिना से बनी है रेटिनॉल किससे बनी है रेटिनॉल आ रहा समझे उसी के वजह से अगर विटामिन ए की कमी होती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है इसको रतौंधी कहते हैं क्या कहते हैं कम दिखाई देता है जैसे इनको कम दिखाई दे रहा है आ रहा समझे ये पहले जूम कर दीजिए तो वही बता रहे विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें कम दिखाई देता है जिसको रतौंधी कहते हैं आ रहा समझे दिन में भी मतलब उनको अंधेरा दिखाई देता है उसी को रतौंधी कहते हैं तो देख लीजिए रेटिना से रेटिनॉल बना है आ रहा समझे ये कोई बताएगा नहीं लेकिन हम यहाँ पे तोड़ करके बता दिए आ रहा समझे आपको आई में मतलब हम पार्ट से दिखाएंगे रेटिना क्या दिखाएंगे रेटिना जिसका रेटिनॉल बना है ये रहा हमारा विटामिन ए से विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है और इसका केमिकल नाम जो रेटिनॉल पड़ा है ये रेटिना से लिया गया कहाँ से लिया गया रेटिना से लिया गया आ रहा समझे अगर विटामिन ए में जो हमारा मिल्क आते हैं बहुत सी सारी चीज आती है ये सब हमें अपने डेली लाइफ अपने डेली रूटीन में ये फूड स्टफ लेना चाहिए ये फूड
स्टफ लेना चाहिए ताकि विटामिन ए की कमी ना हो। ऐसे विटामिन बी की, ऐसे विटामिन सी की बात है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती क्या होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट नहीं होता, क्या नहीं होता?